अगर आप स्टार्टअप हो, खासकर अगर एमपी में हो और अभी शुरू ही कर रहे हो और पता नहीं है कि कहां से फंड आ सकते हैं, कहां से लोन आ सकते हैं, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैं हूं अभिनव सक्सेना और ये स्पेशल वीडियो हमने क्रिएट किया उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप तो कर रहे हैं बट फंड्स की प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने इन्वाइट किया है मेरे स्पेशल फ्रेंड को। आपका नाम प्लीज। आई एम CA विनीत भद्रुका। ऑलराइट, सो ही इज CA विनीत और आज हम बात करने वाले कि कैसे एक स्टार्टअप या कोई भी कंपनी जो बहुत जल्दी अभी अभी शुरू किया है लेकिन फंड्स नहीं है, सोच रहा है कि कहां से पैसे लाऊं, तो उसके लिए गवर्नमेंट के क्या हेल्पिंग एड्स हैं और वो क्या कर सकता है, उसके स्टेप बाय स्टेप एक्शंस को लेंगे, तो आखिरी तक देखना, मिस मत करना और आखिरी में एक बहुत ही अमेजिंग एक गिफ्ट भी आपके लिए है। ऑलराइट, सो लेट्स गो। ओके, सो भाई यार, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, मुझे केस स्टडी मान लो, मैंने अभी अभी कंपनी स्टार्ट की है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कोई ऑलरेडी सेटअप नहीं है और मुझे फंड्स की जरूरत है, मेरे लिए क्या ऑप्शन है, मुझे कहां जाना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं प्लीज। सो अभिनव, एक स्कीम जो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं स्पेशली नए बिजनेस के लिए, दैट इज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, उस स्कीम के अंदर आप 10 लाख तक का लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी बहुत इजीली किसी भी नेशनलाइज बैंक से या प्राइवेट बैंक से जो फंड करते हैं उनसे आप ले सकते हैं एंड आपको इंटरेस्ट रेट भी उस पर काफी अच्छा मिल जाता है, विच इज अराउंड 11% टू 13% एक एवरेज रेंज ले तो। Okay. तो एक ये स्कीम है जो मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ लोगों को। सो मुद्रा स्कीम। या तो मुद्रा स्कीम के लिए, क्या मुझे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या कुछ अपना टर्नओवर करने की जरूरत है या मुझे कोई सेटअप या ऑफिस दिखाने की जरूरत है, मुझे करने की क्या जरूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है सिवाय 2 साल की ITR के। बट एक क्वेश्चन है, क्या आपने MSME रजिस्ट्रेशन कराया? MSME रजिस्ट्रेशन मतलब क्या जरूरी है और उससे फायदा क्या होगा, मैं क्यों कराऊं? सो मुद्रा लोन लेने के लिए MSME रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। Okay. बट एक MSME रजिस्ट्रेशन के लिए फायदे ही फायदे हैं अगर स्पेशली आप एक नए बिजनेस हैं तो। ओके, जैसे मतलब क्या फायदा मिलेगा, मैं क्यों कराऊं और कोई पैसे लगेंगे, प्रोसेस क्या है इसका? सो MSME लाइसेंस लेने का, रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस लगभग 20 मिनट का है, आपको इंस्टेंटली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है एंड उसके फायदे ही फायदे हैं, भले ही आपको बिजनेस के लिए फंडिंग लेने हो, भले ही आपको लॉस के कंप्लायंसेस करने हो, भले ही आपको सब्सिडीज लेनी हो, बहुत फायदे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। आई थिंक वी शुड डू अ वीडियो ऑन दैट सम टाइम। ओके कूल, सो अगला वीडियो MSME पे रहेगा, कमेंट करना अगर चाहिए तो। ओके नाउ, लेकिन बिफोर दैट, क्या MSME रजिस्टर्ड करने से हमें ये मुद्रा लोन में भी बेनिफिट मिलता है? हाँ, हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा हमारा? यस। नहीं सर, तो दैट्स वन। अच्छा, इसके कोई चार्जेस भी है? नहीं, तो कोई चार्जेस नहीं है, 20 मिनट का टाइम लगता है और किस दफ्तर जाना है? सो इसकी एक वेबसाइट है। Okay. इसको उद्योग आधार बोलते हैं, सो यू कैन रजिस्टर ऑनलाइन एंड आपको इंस्टेंटली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज चेक कर लेना। सो आप ये कह रहे हो कि हम ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे MSME, तो इतने सारे बेनिफिट जो आपने गिनाए वो सब हमको मिल जाएंगे। Yes. और ये गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है ऑलरेडी। ऑसम। नाउ कमिंग बैक टू माई प्रीवियस क्वेश्चन, मुद्रा लोन अभी उठाना है, मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं है, 2 साल का ITR आपने बोला, चलो वो मेरा मान लेते हैं, मैंने जॉब की थी, मैंने जो भी किया था, इनकम टैक्स रिटर्न मेरे घर वालों ने एटलीस्ट फाइल कर दिया था जिसकी वजह से वो है। अब मैं लोन के लिए क्या करूं, कहां अप्लाई करूं, किसके पास जाऊं, कहां से क्या? जी, सो दो ऑप्शंस है अभिनव। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है तो आप खुद बैंक जा सकते हो। Okay. अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप एक CA के पास जाओ। CA के पास जाने में एक बेनिफिट ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो द बैंकर, दे नो द प्रोसेसेस, तो आपका एक जो टर्न अराउंड टाइम जो टैड बोलते हैं वो आपको लोन जल्दी दिलवा देते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद जाते हो तो कोई डॉक्यूमेंट भूल गए, कुछ भूल गए, फॉर्म गलत भर दिया, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके कारण हमारी फंडिंग डिले होती है। तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल के पास जाए, वो आपको एक बार में दे विल गेट इट राइट फर्स्ट टाइम एंड जल्दी दिलवाएंगे आपको फाइनेंस। इनफैक्ट दिस सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन बिजनेस कोचिंग पे भी। कई बार जब बिजनेस शुरू करते हैं लोग तो वो एक्सपेरिमेंट करके करते हैं, राइट, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, शायद कई बार पैसे लगाते हैं डूब जाते हैं, लॉट ऑफ थिंग हैपन, बट एक प्रोफेशनल से सीख के करते हैं तो उनका एक बार में हिट हो जाता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके सक्सेस के। राइट, सो विनी जी, आपने मेंशन किया कि अगर मुझे मुद्रा लोन चाहिए तो मैं बैंक के पास जा सकता हूँ या मैं CA के थ्रू डायरेक्टली करवा सकता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। बैंक में ऑफकोर्स मैनेजर वगैरह से पहचान होगी, तो ऑफकोर्स ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है तो खुद भी कर सकती है, बट डेफिनेटली अगर जल्दी चाहिए, आपका फोकस आपके बिजनेस पे रखना है रेदर देन बैंक के चक्कर लगाने में, तो CA इज़ अ गुड ऑप्शन। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट, किन की बात कर रहे हैं हम, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? सो अभिनव, मुद्रा लोन लेने के लिए हमें कुछ चंद ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फर्स्ट अप इज आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो आपका आधार कार्ड होता है, आपका पैन कार्ड,
दूसरा तीसरा वुड बी आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आपका रिसेंट जो भी लेटेस्ट बिजली का बिल हो या वाटर का बिल हो, गैस का बिल हो, आपका नहीं हो, आपके पापा के नाम पे हो वो भी चलेगा, राइट उसके बाद आपको 2 साल के ITRs देने होते हैं एंड आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपको अगर बिजनेस आपका रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल GST में या आपने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस जैसे गुमास्ता भी बोलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा रखे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट्स, तो मोटे मोटे ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। That's right. और इसके लिए एक और मेरा सवाल था कि मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा नहीं है या मेरा सिबिल स्कोर पे कोई गड़बड़ असर है तो इससे भी क्या लोन होता है नहीं होता है, ऐसा कोई चांस? सो सिबिल स्कोर इज नॉट योर कंसर्न, बैंक जब अपना इंडिपेंडेंट क्रेडिट असेसमेंट करते हैं तो वो लोग बैकएंड में चेक करते हैं, देयर इज नो इन्फो दैट वी नीड टू प्रोवाइड। और जहां तक रही टर्नओवर की बात, तो ये स्कीम स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए है, तो अगर आप एक बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसे ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज बोलते हैं तो उसको भी इस स्कीम के अंदर फंडिंग मिल सकती है। यार ऑनेस्टली आपने ये जो मुझे बताया ना, मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस आया क्योंकि रेगुलरली हम लोग इतनी सारी वर्कशॉप करते हैं जिसमें बिजनेस ओनर्स आते हैं जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी आते हैं हमसे एक ही सवाल पूछते हैं, सर बात सही है आपकी हायरिंग करनी चाहिए, बात सही है आपकी कि यू नो टीम रखनी चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए, बट पैसे कहाँ हैं? सो उनके लिए एक बहुत ऑसम एक क्रिस्पी कंटेंट है, 10 लाख रुपए तक का आपने मेंशन किया। दैट्स राइट। सो अगला सवाल मेरा बहुत सिंपल है कि बोलते बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक्चुअली क्या वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, तो ये एक्चुअल कितने दिनों में मिलता है मुद्रा लोन की बात करें तो? सो नॉट टू ब्रैग बट अगर आप एक सीए के थ्रू जाते हैं तो वो जनरली 7 से 15 दिन में आपको डिसबर्समेंट दिलवा देते हैं, बिकॉज दे नो द बैंकर, अगेन दे हैव रिलेशनशिप्स एंड उनका बैंक में रोज़ आना जाना है, तो द बैंकर्स डोंट वांट टू रियली मेस विद देम। अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो इट कैन टेक अप टू 30 डेज, बिकॉज जनरली मुद्रा लोन्स को नेशनलाइज बैंक्स फाइनेंस करते हैं, तो एक सरकारी मेंटालिटी, सरकारी स्पीड से काम करते हैं वो लोग, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक सीए के थ्रू जाया जाए। प्लस फन फैक्ट, अगर हम मुद्रा लोन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यू विल सी अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स, अभी नवंबर तक के मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, करीब करीब 3 करोड़ लोग इस मुद्रा लोन को ले चुके हैं। सो ऑन एन एवरेज हर महीने 40 लाख लोन्स सैंक्शन हो रहे हैं। सो डोंट वेट फॉर इट, इफ़ यू नीड फंडिंग फॉर योर बिजनेस डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके अच्छा, तो मुद्रा में एक बार और रीकन्फर्म करना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई कोलेटरल नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद घर गाड़ी कुछ भी नहीं है, कोई गिरवी रखने के लिए या कोलेटरल या मॉर्गेज कुछ भी नहीं है, तब भी मुझको अप्रूवल मिल जाएगा इसका? एब्सोल्युटली, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, कंसिडरिंग कि उनके पास ऐसी सिक्योरिटी होती नहीं है, ज़्यादा देते होती नहीं है देने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट बिना किसी सिक्योरिटी इन लोन्स को सैंक्शन करती है। अब तो मान जाओ, बहाने मारना छोड़ो यार, ठीक है, एक एक इंडस्ट्री का बंदा बता रहा है कि जब लोन मिल रहा है जिसमें आपको कोई कोलेटरल, कोई जिम्मेदारी, कोई आपको गिरवी नहीं रखना, उसके बाद भी आप लोन ले सकते हो, फिर भी आपसे बहाना मारना चाहते हो कंटिन्यू, लेकिन अगर एक्शन लेना चाहते हो तो जाओ अप्लाई करो, एक ढंग का सीए पकड़ो, बट द थिंग इज जाओ और एक्शन लो। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कब तक ये रट लगाओगे? प्लीज अपने जो एक्सक्यूजेस हैं उनको कट डाउन करो और एक्शंस को ऐड ऑन करो, राइट? दैट्स राइट। ओके, सो अब अगला सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि एक तो बात कर ली हमने मुद्रा पे, तो मुद्रा 10 लाख तक की है, राइट? मैक्सिमम 10 लाख? That's right. किसी भी सेगमेंट के लिए? That's right. Okay, so 10 लाख रुपए का मुद्रा का लिमिट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओके, चलो मुद्रा में भी मैंने ले रखा था, नहीं लिया था, नहीं एलिजिबल था किसी भी रीजन की वजह से, क्या मुद्रा के अलावा भी कोई और स्कीम है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ, और उठा सकता हूँ तो किस किस वे में उठा सकता हूँ? सो एक ब्लैंकेट स्कीम जो बोलते हैं जो सभी तरह के बिजनेसेस पे एप्लीकेबल है, वो एक प्राइमरी जो है वो मुद्रा लोन स्कीम ही है। लेकिन गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, स्पेशली फॉर MSMEs जिसके हमने अभी मेंशन किया। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेक बिजनेस है तो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो टेक स्पेसिफिक बिजनेस को फंड करते हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो एक DIC करके डिपार्टमेंट होता है जो उनको सपोर्ट करता है, आप एक्सपोर्टर्स हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, DIC किसको सपोर्ट करता है, किस तरीके से सपोर्ट करता है, क्या वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं? सो ये डिपार्टमेंट्स आपको जनरली नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट देते हैं, बट दे गिव यू सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑल्सो। मान लो अगर आपका 12% इंटरेस्ट पे आपने लोन ले रखा है तो आपको 4, 6, 7, 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी दे देते हैं। सो आपका इंटरेस्ट पोर्शन जो है
उसका एक मेजर चंक ये डिपार्टमेंट बेयर कर रहा है और वो गवर्नमेंट को बैंक को डायरेक्टली दे रहे हैं. सो आपको ऐसा भी नहीं कि आपको बैंक में इंटरेस्ट जमा करके इनकी लाइन में लगना पड़ रहा है ताकि आपका रीइंबर्समेंट का चेक लेना पड़े. तो बेसिकली ये कुछ सेगमेंट पे ही अप्लीकेबल है, किसी सेक्टर पे अप्लीकेबल है या इन सभी के लिए अवेलेबल है ये, मतलब सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग सेगमेंट्स को हेल्प करते हैं. बट अगेन अगर आप एक MSME की तरह रजिस्टर्ड है तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ स्कीम्स दैट आर स्पेसिफिकली फॉर MSMEs इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड इन विच दे आर वर्किंग. ओके, सो बहुत ही सारी स्कीम्स के बारे में आपने बता दिया और मुझे नहीं लगता एक वीडियो सफिशिएंट होगा सारी स्कीम्स को डीप में जाने के लिए, राइट? दैट्स राइट. सो एक काम करते हैं, अगर इस वीडियो पे सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट क्या, अगर मैं कह रहा हूँ 100 लाइक भी आ जाते हैं तो वी विल स्टार्ट अ सीरीज अबाउट सब्सिडीज और गवर्नमेंट की और क्या स्कीम्स हैं और जिसपे हम डिटेल में जाकर एक एक स्कीम को ले पाएँ, हर एक सेगमेंट को ले पाएँ, हर एक स्टार्टअप या हर एक कैटेगरी को ले पाएँ, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो टेक्निकल आईटी से हो, मतलब डिफरेंट सेगमेंट के एक एक करके वीडियोस बना पाएं, दैट विल मेक मोर सेंस, राइट? या दैट मेक्स मोर सेंस. ओके, सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है कि कैसे एक स्टार्टअप जिसका अब भी शुरू हुआ है काम और सिर्फ उसके 2 साल का ITR के बेसिस पे वो 10 लाख तक का लोन ले सकता है एक छोटी सी मदद CA. बाय द वे एक चीज और पूछनी थी, क्या CA चार्ज करते हैं और करते हैं तो लगभग कितने से कितने तक का करते हैं? सो CAs डू चार्ज फॉर द सर्विसेज एंड एक फाइनेंस अरेंजमेंट में जनरली CA 1-2% तक चार्ज करते हैं. बट अगेन ये शायद स्मॉल टिकट लोन्स हैं तो CA शायद कम भी चार्ज करे, इतने बुरे भी नहीं होते हम लोग. सो 10 लाख के लोन की बात कर रहे हो आप, राइट? दैट्स राइट. तो 1-2% चार्ज करते हैं. या एंड अपफ्रंट फीस भी कुछ होती है? सो हर CA का काम करने का तरीका अलग है. कई CA होते हैं जो आपको सैंक्शन के बाद बट प्री डिसबर्सल आपसे फीस मांगते हैं, कई CA होते हैं जो डिसबर्समेंट के बाद लेते हैं आपसे फीस. सो दैट विल डिपेंड ऑन अ केस टू केस बेसिस. मतलब ओवरऑल अगर आप डिसबर्समेंट से, मतलब मैं बता दूं सिंपल सा इतना है कि आपको पैसा आ गया अकाउंट में और उसके बाद अगर आपको चार्ज देने पड़ रहे हैं, फीस देनी पड़ रही है परसेंटेज के बेसिस में, तो इट्स प्रीटी मच डूएबल. 10 लाख का लोन पे क्या 10,000 फीस बनेगी, राइट? 1%. सो 10 लाख का लोन उठा रहे हो यार, मतलब बनता है इतना तो, ठीक है. और डेफिनेटली अगर आपको ऐसा CA मिलते हैं जो कि डिसइंबर्समेंट के बाद आपको अलाउ कर रहे हैं देने के लिए फीस, तो बेटर ऑप्शन है क्योंकि जेब से कुछ जा नहीं रहा है. जब स्कीम का फायदा मिल गया, लोन आ गया आपकी जेब में, आपके अकाउंट में, तब आपको पैसे देना है. इट मेक्स सेंस. तो ये आज का वीडियो हमने कमेंट किया. अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट में हमको बताना कि कोई कहां कहीं पे क्लैरिफिकेशन चाहिए हो. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपनी यू नो लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर करके सही लोगों तक पहुंचा के, खासकर जो स्टार्टअप कर रहे हैं या सोच रहे करने का या जॉब के लूप में अटके हुए हैं कि करेंगे, एक दिन आएगा अपना टाइम आएगा, तो प्लीज कभी नहीं आता. आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा और इसके लिए हमें जरूर बताना. लाइक शेयर करोगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको ऐसे वीडियोस ज्यादा पसंद आ रहे हैं, हम ऐसे और एक्सपर्ट्स को लाते रहेंगे. और CA विनीत जी, आप दूसरी बार आए तो वेरी वेरी मच थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी अभिनव. इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड लेट्स होप टू मेक मोर ऑफ दीस वीडियोस फॉर न्यू बिजनेसेस. एब्सोल्युटली. तो ऐसे आप देख रहे हो, मतलब क्रेडिबिलिटी भी बन रही है ना. सो इवन अगर अभी भी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में प्लीज पूछ लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना. सो इसको यहीं रैप अप करते हैं. अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि अभी हम लोग बहुत इनिशियल फेज में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आप देख रहे हो धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटीज भी इंप्रूव होती जा रही हैं, ये आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पा रहा है. तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब और इसको बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए. रोज 9:30 बजे एक वीडियो लेकर आ रहे हैं हम ऐसे ही पावरफुल, इम्पैक्टफुल, पॉइंट टू पॉइंट केस स्टडी के साथ. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में.